यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं, क्या बयान देते हैं और उसके बाद किस तरह का सियासी बवाल देखा जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस विधायक सैफुद्दीन सोज के बयान पर अभी बवाल थमा नहीं था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। नबी आजाद ने कहा कि घाटी में चल रहे सेना के ऑपरेशन में आतंकी कम मारे जाते हैं, नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और कहा कि गुलाम नबी आजाद के बयान से पाकिस्तान ज्यादा खुश होगा। इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा गया कि गुलाम नबी आजाद के बयान का समर्थन किया गया। उनकी ओर से लश्कर-ए-तैयबा के प्रवक्ता अब्दुल्ला गजनवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना नागरिकों को तड़पा रखी है, वहां के नेता गुलाम नबी आजाद की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, जो बात उनकी ओर से कही गई। अब इस बात पर, इस बयान पर विवाद बढ़ चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना पूरी तरह से शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी की ओर से सवाल ये किए जा रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि गुलाम नबी आजाद किसकी तरफ हैं। सुनिए जी, मैं कहता हूं, मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आज़ादी दूसरी तरीके से मिल सकती है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियाँ न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्े और अब हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम 3 खत्े हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा। They will not have compromised the principle of politics. दुख का विषय यह भी है कि सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार परवेज मुशर्रफ सत्य कह रहे थे, आज कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आजादी चाहिए। आप बताइए, ये बार बार भारतवर्ष को नीचे दिखाने का जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए। हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर क्या कहना है उनका, जवाब दे वो। क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात सोच रहे हैं? हम इस देश जानना चाहता है इसका, क्योंकि उनका यह वक्तव्य कि सेना आम आवाम को अधिक मारती है कश्मीर में आतंकवादियों के नहीं, यह बहुत ही गैर जिम्मेदारना है, सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है, देश की सुरक्षा पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक और सरकार है, दूसरी और विपक्ष है, यानी कांग्रेस पार्टी है। सरकार को लगता है कि सेना का मनोबल टूटेगा उस बयान से जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष की ओर से दिया गया है कि सेना आम नागरिकों को ज्यादा मार रही है आतंकियों की तुलना में। यह गुलाम नबी आजाद की ओर से कहा गया। उससे पहले का जो बयान था वो भी हैरान करता है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की बात का समर्थन किया जाता है कांग्रेस के नेता की ओर से और लश्कर-ए-तैयबा उनके बयान का समर्थन करती है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है, क्या आतंक का साथ कांग्रेस दे रखी है, और बड़ा सवाल यह भी है क्या कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के नेताओं के बयान ही काफी हैं। चर्चा करेंगे, खास पैनल मेरे साथ है, बीजेपी से हमारे साथ नीलम चौधरी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनेलो प्रवक्ता डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। कांग्रेस से प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय जी हमारे साथ हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। बालमुकुंद शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ हैं जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर? कौन से बड़े नेता जिनकी ओर से बयान दिया गया, गुलाम नबी आजाद की ओर से जो बयान दिया गया, आपके यूपीए के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री रखे और फिलहाल के विधायक की ओर से जो बयान दिया गया सैफुद्दीन की ओर से, क्या कांग्रेस उन बातों से इत्तेफाक रखती है, क्या कांग्रेस उनके बयानों में साथ खड़ी है, क्या कांग्रेस का स्टैंड वही है जो उन दोनों का है? नहीं, कांग्रेस ना तो उनके साथ खड़ी है और ना ही ये कांग्रेस का स्टैंड है। सैफुद्दीन सोज ने खुद माना है कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं, ये रिटर्न में उन्होंने माना है। जहां तक गुलाम नबी आजाद, कोई भी नेता हो, इस तरह का बयान देने वाला नेता कांग्रेस का उससे कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल
उसकी वर्षना कर। राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, क्या उनसे सरोकार नहीं है आपका? बहुत बड़ी बात है। बयान से मैंने बोला, आप बात को आप सरोकार नहीं है। नहीं नहीं, आप गलत बात करते हैं, ऐसे मैं डिबेट छोड़ दूंगा बीच में। मैंने उनके बयान से कोई सरोकार नहीं, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैंने उनसे सरोकार, उनके बयान से सरोकार नहीं है। आप मेरी बात को आप ऐसे इंटरप्रेट मत करिए। मैं उनके बयान से हमारा सरोकार नहीं है। शुरुआत में मुझे आपकी बात से आपत्ति है, और आपत्ति इसलिए है, वो आपको सुनना होगा। नेता विपक्ष जो कहते हैं उस बात से कांग्रेस को सरोकार नहीं, आपके बयान से कोई सरोकार नहीं है। कैसे नहीं होगा सर, नहीं उनकी निजी राय कैसे हो जाएगी? मैं क्या कांग्रेस का बड़ा चेहरा वो नहीं? वो जम्मू कश्मीर को क्या बड़े चेहरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? कश्मीर को लेकर क्या बड़े चेहरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? कांग्रेस राहुल जी के संज्ञान में है मामला, राहुल जी उस पर विचार करेंगे। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी हमारा बैठ के फैसला करेगा, उसके संज्ञान में आया मामला, वो बयान देंगे हमारे बड़े नेता। लेकिन कांग्रेस का उसे कोई सरोकार नहीं है, तो क्या किया जाएगा? क्या जो करेंगे एक्शन करेंगे आपके सामने आएगा। हम इस बात का बिल्कुल इसकी भर्सना करते हैं, जो दोनों नेताओं ने क्या बिल्कुल गलत है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं उनके बयान से कह रहा हूँ। नीलम जी, शुरुआती तौर पर बड़े बयान दे दिए जाते हैं, उन पर बवाल भी हो जाता है, कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती है, कांग्रेस के नेता बयान देकर कहते हैं कि निजी राय है हमारी। जो देखिए, गुलाम नबी आजाद अपोजिशन के लीडर हैं राज्यसभा में, पहली बात। दूसरा, वो कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, उन्होंने काफी नजदीक से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद देखा है, उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलता हुआ लोगों की जान जाते हुए देखी है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो कोई आम आदमी नहीं है जो इस तरह की इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। अरे तो देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं 15 लाख लिया, फिर वो कहता है जुमला, आप आम आदमी पक्ष के नेता ही बात कर रहे हो। कम से कम एक थोड़ी सी शर्मिंदगी जाहिर कर देते कि कांग्रेस उसकी स्टेटमेंट ही वापस ले रही है। एटलीस्ट ऑफिशियली इतना तो कह सकते हैं, इन्हें टाइम लग रहा है सोचने में। इतनी बड़ी गलती एक लीडर कर लेता है, और उन्हीं की जो अपने पार्टी है उसका बयान लेने में अभी सोच रही है, अभी उनके संज्ञान में आ रहा है। मतलब आप कश्मीर को इतने हल्के में आप ले सकते हैं? और कितनी बड़ी बात कही है। उनका ये कहना है कि जो कश्मीर में एक जो आतंकवादी के बदले 4 सैनिक मारे जाते हैं, इनका कहने का मतलब है कि कश्मीर में हमारी सेना, हमारी पुलिस, उसकी वजह से जो है सिविलियंस मारे जाते हैं। उनको मार कौन रहा है? उनको टेररिस्ट मार रहे हैं, हमारी पुलिस या सेना नहीं मान रही है। ये एक चीज बहुत बड़ी है जो कि इनको पाकिस्तान की तरफ जाके धकेलती है, उनके साथ खड़ा हुआ दिखे। हम कश्मीर को एक भारत का एक अभिन्न हिस्सा मांगते हैं, और उसकी जो कश्मीर और कश्मीरियत है और जो लोग हैं उनका जीवन, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो इस तरह के हल्के बयान, और जो एक अगर आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें रविशंकर जी ने एक थोड़ा डिटेल भी रखा था कि 2012 में हमने वहां पे 72 आतंकवादी मारे थे, 13 में 67, 14 में 110, 15 में 160, 150, 17 में 217 और 75। मतलब हम लोग आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और ये हमें ये कह रहे हैं कि आपकी जो मस्कुलर पॉलिसी, आपकी जो स्ट्रिक्टनेस है, वो नहीं होनी चाहिए। बालमुकुंद शर्मा जी, इस बात को क्लियर कीजिए पैनल पर, हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता आप हैं, क्या इस बात की अनुमति आप लेकर आए हैं कि पैनल पर जाकर आपको ये कहना है कि कोई सरोकार नहीं है दोनों नेताओं के बयानों का कांग्रेस से? नहीं, आप क्या चाहते हैं बताइए। मैं डिबेट पे अगर ऐसे बोलूं जैसे आप चाहते हैं, आप ये कहें देश क्या चाहता है, वो आपसे क्या उम्मीद करता है, इस तरह की बात करें ना। नहीं, आप कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, आप उसको इतने हल्के में बयान कैसे दे सकती है? इस बयान को कांग्रेस की ओर से इन बयानों को खारिज नहीं किया गया, इन बयानों की निंदा नहीं की गई। वो सैफुद्दीन है सोच जो खुद ये कहते हैं कि निजी राय है मेरी, गुलाम नबी आजाद के बयान को डिफेंड किया गया था। गुलाम नबी आजाद जी का भी बयान आ जाएगा जी, वो उनकी निजी राय है या जो वो बयान देंगे उनका बयान आएगा ना। हाँ, फिर हाँ। उसपे हमें अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, उनका बयान आ जाएगा। आप देखिए ना, इतने इम्पोर्टेंट इशू पे इनकी लीडरशिप का लेवल ये है। इशू तो बहुत आपके पास है, इससे इम्पोर्टेंट इशू क्या? सुनेंगे, चले सुनेंगे। बाहर रख करके बात नहीं करना चाहते, ये सब सबको लेकर करना चाहते हैं। और इसी प्रश्न पर कि कश्मीर में 370 अगर नहीं होता तो वहाँ पर हम मुसलमान भाइयों के रहने पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भट्ट पंडितों को मुसलमान बनाने की जो प्रक्रिया चली और जो परिवर्तन नहीं किया, उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसकी संपत्ति हड़प ली गई आज़ाद हिंदुस्तान में। इसी बिंदु पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे लोगों ने, जो नेहरू के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वो अलग हुए और उनका बलिदान हुआ और घाटी में नारा गूंजा, जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो गूंज अब तक कायम है। 370 ख़त्म होना चाहिए, कश्मीर को और कश्मीर की कश्मीरियत को जिंदा करिए, और पूरे कश्मीर में सामान्य जन को हिंदुस्तान के वही अधिकार मिलना चाहिए जो वहाँ पर
लोगों को है। सैफुद्दीन सोच कर रहे हैं कि मुशर्रफ का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, सैफुद्दीन सोच मुशर्रफ का समर्थन कर रहे हैं, महबूबा पाकिस्तान को बीच में रखना चाहती हैं, कोई हुर्रियत का समर्थन कर रहा है, गुलाम नबी आज़ाद ने के बयान का तो समर्थन आतंकवादियों ने कर दिया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का एक नेतृत्व जो है वो तुष्टिकरण के लिए, मुसलमान वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक देश के विरोध में जा सकता है। ये गुलाम नबी आज़ाद के बयान से ये स्पष्ट साबित हो गया। बालमुकुंद शर्मा जी, तुष्टिकरण कर रहे हैं मुस्लिमों का और किसी भी हद तक जा सकते हैं वोट बैंक के लिए, अमर सिंह को सुना, जवाब दीजिए। अमर सिंह को आपने ये सुना कि धारा 370 खत्म कर दिए देने से आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनका चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी से पूछ लेंगे ना, बालमुकुंद शर्मा जी, क्या बीजेपी का जवाब भी आप देंगे सर? आप इस बात का जवाब दीजिए ना, आप लोगों पर आरोप ये लग रहे हैं कि मुस्लिमों के आरोप लगाने वाले की हैसियत क्या है? आरोप लगाने वाले की हैसियत क्या है? आरोप लगाने वाले की हैसियत क्या है? आरोप लगाने वाले, आरोप लगाने वाले कल कहाँ थे, आज कहाँ है, कल क्या बात कर रहे थे, आज क्या बात कर रहे हैं? आरोप आरोप लगाने वालों को राजनीति, आरोप लगाने वालों को राजनीति पटल पर हैसियत क्या है? डिफेंड कर सकते हैं तो कीजिए, आरोप किसने लगाया और कहा क्या गया उस बात का जवाब दीजिए। डेमोक्रेसी में आप लोगों पर आरोप ये लग रहे हैं, ये आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं जिनको डिफेंड आप भी नहीं कर पाते। वो हमारे जो आरोप लगाता है उसके कद को लेकर आप सवाल हमारे आला कमान के संज्ञान में है, आला कमान निर्णय उचित लेगा और जल्दी आपके सामने निर्णय आएगा। जो सो कॉल्ड आला कमान के निर्णय आएगा आपके सामने। हुकुम शेरवाल जी, हालांकि आप हरियाणा की पार्टी से ताल्लुक रखती है लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो भावनाओं का मसला है, पूरा देश उससे सीधे जुड़ा है। उसमें कांग्रेस के नेता ये कहते हैं गुलाम नबी आजाद की सेना जो है आतंकियों की तुलना में नागरिकों को ज्यादा मारती है। साथ ही सैफुद्दीन को आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया कि कश्मीर जो है आजादी चाहता है, इनेलो का स्टैंड क्या है? ज्योति जी, सबसे पहली बात तो आज ये बहुत ही निंदनीय कह लीजिए कि ये आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये वहाँ जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नहीं सोच रहे। आज भी जो ये पार्टी है बीजेपी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन वहाँ की जो जनता वो क्या चाहती है, वहाँ जो आम जनमानस जो उनके ऊपर इतनी प्रताड़ना हो रही है, मारे जा रहे हैं, पीछे अभी दो तीन दिन पहले आपने दिखाया था कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से भी अलग कर दो, पाकिस्तान से भी अलग कर दीजिए। तो और आप ये देखिए, जनता तो यही चाहेगी क्योंकि जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता ये चाहेगी कि भारत से भी कश्मीर को अलग कर दिया जाए? जी नहीं, जी नहीं, देखिए हिंदुस्तान से अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही ये कह लीजिए कि देश की धरोहर कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, एक बहुत ही वहां से आउटपुट कह लीजिए या बहुत ही ज्यादा वहां से जो है, चाहे टूरिज्म के हिसाब से या किसी भी हिसाब से आप देखिए कि वहां से एक वहां की जो आम जनता है उनको भी कारोबार के लिए या बहुत ही उनको सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं आज, अगर हम हरियाणा, अगर हम प्रदेश के देश की बात करें तो। लेकिन वहां की जो जनता है, मेरा तो यही मानना है कि जो जनता है उसकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और बीजेपी पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस ने तो कर दिया ना आज, कांग्रेस ने अपना बयान दे दिया, उनको कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है, अपना जब चाहा पल्ला झाड़ लिया, अभी आपने पल्ला झाड़ लिया आपने, सरकार जब आप चाहते हो तब आप किसी को समर्थन दे देते हो, जब आप नहीं चाहते तब आप समर्थन वापस ले लेते हो। क्योंकि कश्मीर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था, वो एक हमारा एक हिस्सा है, वहां आतंकवाद की घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है नीलम जी, आतंकवाद तो आतंकवाद बीजेपी के राज में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है और आज हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो ज्यादा मर रहे हैं आज। शेरवाल जी, गुलाम नबी आजाद की ओर से जो कहा गया कि सेना आम नागरिकों को ज्यादा मारती है, क्या इनेलो इस बात से इत्तेफाक रखती है? इस पर जवाब दीजिए बहुत छोटा। नहीं, सुरक्षा कर्मी जो होंगे वो आम जनमानस को क्यों मारेंगे? सुरक्षा कर्मी तो सुरक्षा के लिए हैं। ये बात तो गलत है अगर ये बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं आम जनमानस की तो सुरक्षा के लिए ही बिठाए गए हैं सुरक्षा कर्मी, वो तो इस तरह की बात नहीं हो सकती। आतंकी जो है, आतंकवाद जो है वो किसी ना किसी तरह से वहां पर हावी तो है ही है। और किसी राजीव रंजन रॉय जी, आप भारत की राजनीति पर नजर रखते हैं और गुलाम नबी आजाद की बात कर ली जाए, काफी लंबा अनुभव है उनका राजनीति का, इस तरह के बयान कैसे दे दिए जाते हैं खासतौर पर देश की सेना को लेकर? क्या सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान नहीं है ये? देखिए, मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद के बयान को पूरी तरीके से हमें सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें से एक लाइन उठाया गया है और उसको हाईलाइट किया जा रहा है। वेरी गुड।
जहां तक कश्मीर की बात है, हमें इस बात से बिल्कुल मानना चाहिए कि वार लाइक सिचुएशन कश्मीर में है, और जिस प्रकार से कश्मीर में हमारे आर्मीज को फाइट करना पड़ रहा है और जिस प्रकार इनकाउंटर होता है, वहाँ के लोकल्स उस बीच में आ जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, और जब क्रॉस फायरिंग होती है तो क्रॉस फायरिंग में कोई बुलेट यह नहीं देखता कि सामने वाला आतंकवादी है या सामान्य है। नहीं, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आप बेवजह इंटरफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बोलनी चाहिए, मैं उसका स्वागत। मैंने भी वही आपत्ति की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब, जैसा कि मैंने कहा, जब इस परिस्थिति में सेना काम करती है तो जब सेना के, देखिए गोलियां जब दोनों तरफ से चलती है, वहां के लोग बीच में आ जाते हैं, तो गोली डिस्क्रिमिनेट थोड़े करेगा। लेकिन एक बात यह सत्य है कि देखिए, इंडियन आर्मी जो है वो टारगेट किलिंग नहीं करती है। इंडियन आर्मी जानबूझकर इंडियन आर्मी जो है जानबूझ करके, टारगेट करके इनोसेंट आदमी को बिल्कुल नहीं मार सकती है, कहीं नहीं मारती है। लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन है तो इंडियन आर्मी के भी वो हेल्पलेस हो जाते हैं। अब लार्जर इशू क्या है कश्मीर में, ज्योति जी, हमें समझने की जरूरत है। बात ये देखिए, यही आरोप लगा था भारतीय पीस कीपिंग फोर्सेस जब श्रीलंका में गया था, तो इसी यही आरोप लगा था। पंजाब में यही आरोप लगा था, पंजाब में जब आतंकवादियों से लड़ रही थी, यही आरोप लगा था कि उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा। बात वो नहीं है, लेकिन कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर को जिस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, आज कश्मीर पे जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, आपने कहा कि उनकी पूरी बात नहीं सुनी होगी। मैडम आएंगे आपके पास, आपकी आपत्ति स्वाभाविक हो सकती है, हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल आप सुनिए। राजीव रंजन जी, आपने कहा कि उनकी बात की एक लाइन सुनी गई होगी, लेकिन एक जो लाइन सुनी गई है उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सुनिए, नागरिक मारे जा रखे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम तरह की बातें हो सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ये कहते हैं कि आतंकियों की तुलना में आम नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं, ये बात उनके। ज्योति जी देखिए, अब उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है, देखिए आर्मी वहाँ एक वॉर लाइक सिचुएशन में काम कर रही है, आर्मी इतनी हार्डशिप जम्मू कश्मीर में फेस कर रही है, आर्मी की जो वहाँ स्थिति है हमारे नेताओं ने बना दिया है, उनके हाथ, एक हाथ उनका बांध करके रखा है, एक हाथ में पिस्टल दे रखा है, वो उनको फ्री हैंड्स नहीं दे रहा है, आर्मी को अब्यूज किया जा रहा है, आर्मी की जो है, तो गुलाम नबी आजाद जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं। आपके पास आएंगे एक बार फिर से, नीलम जी आप बताइए, आपको किस बात से परेशानी? देखिए, पहले बात तो ये, जो राजीव रंजन जी में और गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, आप बता दें मुझे, एक वर्ड का भी इधर से उधर डिफरेंस हो। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, वही स्टेटमेंट इन्होंने दी कि हमारे वहां में जो सिविलियंस है उनको मारने में सेना का हाथ है। ये मैंने कब कहा? आपकी लाइए मत चिल्लाने से, आपके साउट करने से, आपके साउट करने से आप साउथ मत कीजिए ना। आर्मी इनोसेंट लोगों को टारगेट किलिंग के रूप में नहीं मारती है, आर्मी वॉर लाइक सिचुएशन में काम कर रही है, और आर्मी के जब सेना के बंदूक से जब गोली निकलेगी, सेना के बंदूक से जब गोली निकलेगी, उसके सामने जो भी आएगा मारा जाएगा। सेना के गोली के, जब सेना के बंदूक से गोली निकलेगी उसके सामने नहीं, वो डिफेंस में सेना गोली चलाती है, गोली चलाती है, सेना डिफेंस में गोली चलाती है। क्या सेना काम ना करे? बिल्कुल क्या सेना काम ना करे? क्या सेना जवाबी कार्रवाई ना करे? बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करेगी। जवाबी कार्रवाई में ज्योति जी, सेना के सामने, बुलेट के सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे इनोसेंट लोग हो, जब इनकाउंटर हो रहा है तो वो मारे जाएंगे। इनके जो आला कमान जिन्होंने अभी तक स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट नहीं किया है,
ऐसा ही एक हास्यास्पद पदक एक शर्मिंदगी वाला बयान जो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब इन्होंने उनको कहा था स्टेटमेंट खून की दलाली कहा गया। और इन्हीं के बाकी जो नेता थे उन्होंने हमारे आर्मी चीफ के बारे में ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि शर्मिंदगी होती है, कोई राय नहीं इसमें। ये बयान दिए गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने सरकार खून की दलाली कर रही है। इतने घटिया शब्दों का हमारे देश को लीडरशिप है क्या? क्या कांग्रेस की विचारधारा फिर यही है? क्या कांग्रेस की सोचने की प्रक्रिया यही है? देश की सेना को लेकर, जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर, भारत और पाकिस्तान को लेकर? आप शर्मा जी गुलाम नबी आजाद का बयान सुनाएंगे एक परिपाटी पे? अभी अभी सुनवाया था सर, कब सुनवाया था? कब सुनवाया था? एक बार के लिए मैं चर्चा में दावे के साथ कह सकता हूं, आप सुनवाओ, एक बार फिर से सुनवा देंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं सनवारे साहब, बहुत स्वागत है आपका। आनंद सरवारी थे जी, ज्योति जो कहा गया है गुलाम नबी आजाद की ओर से कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को ज्यादा मार रही है आतंकियों की तुलना में, आपका अनुभव है, आप बताइए कि ऐसा कुछ है जम्मू कश्मीर में? देखिए ज्योति जी, मैं आपकी डिबेट को बड़े ध्यान से सुन रहा था और अगर मुझे एक ऑलमाइटी पावर मिल जाए तो मैं इन सब पॉलिटिशियंस को एक बार फौज में भर्ती करने के लिए जरूर जरूर कानून बनाऊंगा, इनको पता चल जाए कि फौज क्या होती है। मैंने बहुत सालों तक फौज में नौकरी की है, मेरे भारतवर्ष की फौज दुनिया की उच्चतम फौजों में से एक फौज है और इसके डिसिप्लिन का सारा सारा वर्ल्ड, हिंदुस्तान तो क्या, सारा वर्ल्ड नतमस्तक होके इसको सैल्यूट करता है कि हिंदुस्तानी फौज बहुत ही डिसिप्लिन है। आज का ये स्टेटमेंट गुलाम नबी आजाद जी जो कि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, सेंटर में भी मिनिस्टर रहे, लेकिन मैं उसको ब्लेम करने के बजाय मैं कहूंगा इनकी तो मानसिकता ही कांग्रेस की ऐसी है कि उनका अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने जब सर्जिकल, मैं फौजी तरीके से बात कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बात कर रहा हूं, कि सेना को इतनी लाइटली लेना, अगर इनको पता चलता, अगर ये सेना में इनका कोई बच्चा भर्ती होता या इनका कोई रिश्तेदार भर्ती होता तो पता चलता कि सेना किस कंस्ट्रेंट में काम कर रही है। सेना की तरफ से मैं उनके स्टेटमेंट को हाईली कंडमेबल बोलता हूं, उनको आकर के माफी मांगनी चाहिए और वो माफी मांगेंगे नहीं क्योंकि इनके पहले भी ऐसे ऐसे केस हैं। हमारे चीफ को इतनी बुरी तरह से बोलते हैं और हमारी जो सेनाओं ने सीमा के अंदर घुस के जब दुश्मन को मारा उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाया, तो मैं इसको बहुत ही बुरी तरह से कंडम करता हूं एज एक सैनिक होने के नाते। और पूरे 15 लाख सैनिक जो आज सेवारत है और 25 लाख एक्स सर्विसमैन है उनकी तरफ से मैं कंडम करता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में। बालमुकुंद शर्मा जी, आपने कहा कि बयान सुनवाया जाए, तो मैंने बताया आपको कि बयान शुरुआती तौर पर आपको बताया गया, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कहा गया उनकी ओर से, एक चैनल को इंटरव्यू दिया गया उसमें कहा गया उनकी ओर से, यह भी कहा गया बालमुकुंद शर्मा जी कि ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया जा रहा है वो नरसंहार किए जाने की साजिश है, सोची समझी, क्या ऐसा है? देखिए मैंने उनके बयान को बैठते ही पहली पंक्ति में कह दिया था कि मैं उस बयान से सहमत नहीं हूँ, उस बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ। देश की जो सेना है, अर्धसैनिक बल है, जो विकट परिस्थितियों में काम करते हैं, पूरे देश के नागरिकों को 130 करोड़ लोगों को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। बालमुकुंद शर्मा उनके साथ उस बयान की निंदा करते हैं, क्या राहुल गांधी उस बयान की निंदा करेंगे? क्या ये कांग्रेस हाईकमान का स्टैंड है? मैंने आपको क्या कहा जी, हाईकमान के संज्ञान में है, हाईकमान उचित समय पर उचित निर्णय लेगी, उनका पक्ष जानेंगे, उन्होंने क्या कहा है, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा है कि एक लाइन को उठाएगा वो पूरा एक देखिए विषय है, उस विषय पर हमारी हाईकमान एक संज्ञान लेगी, इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है क्या सर? बालमुकुंद शर्मा जी, इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं? जल्दबाजी है ना, तो आप बयान सुना रहे ना, आपत्ति कर दी यहाँ, जिन एक्सपर्ट को आप लेकर यहाँ, मतलब उनकी बातों को आप गौर से ये फरमाते कि ये ही उस चीज को सर्टिफाइड करेंगे, वो कह रहे हैं कि उनके बयान की एक लाइन उठाई होगी, तो क्यों नहीं आप उस बयान को पढ़वा देते? उसमें ज्योति जी एक मैं ऐड करना चाहूंगा बालमुकुंद जी को रोक करके, ज्योति जी इसमें ये देखिए, अब हमें यह देखना चाहते हैं, उसमें ध्यान निक जोर आता है कि आर्मी ऑपरेशंस में इनोसेंट लोग ज्यादा मारे जाते हैं
एक ये स्टेटमेंट होता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है कि आर्मी इस प्रकार के ऑपरेशंस में मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जाते हैं या मारते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्लेरिफिकेशन की जरूरत है, ये क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। क्रॉस फायरिंग और टारगेटेड किलिंग, टारगेटेड दोनों चीज अलग है। पक्ष है एक जो आपने कहा, लेकिन वो गलत खारिज नहीं करती, लेकिन बात अपने आप में इसलिए भी बड़ी हो जाती है वालुकुंड शर्मा जी की, ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया जा रहा है वो लोगों को मारने की साजिश है। ये गलत आरोप, ये गलत, ये आरोप गलत है। इसमें हमारे एक्सपर्ट क्या करे वो भी आपको समझ में नहीं आता। वो दोनों आप क्यों नहीं सुनाते बयान? आप केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या देश की इस भावना के साथ भी खिलवाड़? मैंने कह दिया हम सेना के साथ है, 123 करोड़ जनता सेना के साथ खड़ी है। आप उस बयान को सुनवाइए, वो बयान बताएं। वो बयान बिल्कुल शर्मा जी, ये बहुत बचकाना आरोप आपने लगाया खबरें अभी तक पर, हमें टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातों की जरूरत नहीं है। आपको सुनवा देंगे सर, और सुनवाया उसके बाद आप क्या करेंगे? मैं बताऊंगा, मैं उस बात को वहीं रखूंगा, अपनी बात को सुनवाऊंगा। ज्योति सिर्फ एक मिनट देंगे बीच में मुझे जी। बालमुकुंद शर्मा जी सुनवाएंगे तो कार्रवाई क्या करेंगे? पहले बयान सुनने के बाद मैं अपनी बात रखूंगा, मुझे बयान आप सुनवाइए। नीलम जी बोले जी, चलिए इनको तो अभी थोड़े से आलाकमान का इंतजार करने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अभी हमारे एक सैनिक औरंगजेब की आपने न्यूज भी दिखाया था, उनको शहीद हुए थे, तो उनके शहीद होने के बाद जो वहाँ उनके घर पर हमारे रक्षा मंत्री और जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके परिवार के साथ संतावना देने गए थे, उसकी रिएक्शन कांग्रेस पार्टी के आलाकमान कहते हैं कि ड्रामा है, हम जाके अपने आर्मी ऑफिसर्स जिसकी जो शहीद हुए उनके परिवारों के साथ मिलने को, उनके साथ जो अरे कुछ तो शर्म करो झूठ बोलते हुए, क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप, था आप लोग खुद भी जानते हैं किस तरह से इसका भद्दा मजाक उड़ाया गया था। हमारा देश हमारी पूरी सेना के साथ खड़ा, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, और उन्होंने आज तक सारी दिवाली जो है वो अपने सैनिकों के साथ मनाई है, और ये लोग क्या करते हैं इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि उनका मनोबल टूटता है। चलिए आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सेना के अगेंस्ट बोलते हैं, ये कहते हैं कि आपके राज्य में सेना ही खुश नहीं है, मेरे गुलाम के राज्य में सेना आज कर्मचारी मर गए हैं, आज उनके परिवारों को जाकर के देखते हैं, कहां आप जाकर के देखते हैं उनके परिवारों को, कमाल है कमाल है कमाल है। आप लोग इसी तरह से पाकिस्तान के आपके स्टेटमेंट इस बात का जवाब दीजिए, क्या सैफुद्दीन की ओर से जो कहा गया क्या ये देश विरोधी नहीं है? देखिए सैफुद्दीन सोज ने जो स्टेटमेंट दिया पास्ट में भी कश्मीर के जो लीडर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहे हैं। आप कोई भी वहाँ का इम्पोर्टेंट लीडर का नाम उठा लीजिए, वो इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, और केंद्र में मैं तो वही कह रहा हूँ, सुनिए ना नीलम जी, आप क्यों बीच बीच में, हम तो वही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सैफुद्दीन सोच, वहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक शेख अब्दुल्ला, सबों ने स्टेटमेंट इस प्रकार के दिए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, और ये सारे जो लोग हैं जब केंद्र में सरकार कांग्रेस बीजेपी बनती है वहाँ मंत्री भी बन जाते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो स्टेटमेंट देते हैं वो रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ने मिलकर कश्मीर इशू का जितना मट्टी पलीद किया है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के, मैं ये पूछता हूँ आर्टिकल 370 को हटाने में प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रॉब्लम। आर्मी चीफ ने जनरल बीएस रावत ने कह दिया है कश्मीर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आर्मी के पास नहीं है, ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन कहां निकल रहा, कहां निकल रहा? फिर आर्मी को इंटरवीन करनी पड़ती है और बेचारे मारे जाते हैं, बदनाम भी होते हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी कमजोर है कश्मीर के मामले में। ज्योति जी आज 70 साल से कश्मीर के मामले में, 70 साल से ये कश्मीर की छोटी सी प्रॉब्लम, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
भागीदारी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा परेशान होने देखिए कांग्रेस की तो ये प्रॉब्लम देन ही कांग्रेस की है। देखिए कांग्रेस की देन है, उन्होंने उस समय ये एक्सेप्ट किया, लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी मिल करके ये क्यों नहीं डिसाइड करते हैं कि आर्टिकल 370 हम विड्रॉ करते हैं इमीडिएटली, क्या दिक्कत है? वो दिक्कत बताएं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन बताएं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन बताएं कि आर्टिकल 370 को हटाने में क्या प्रॉब्लम है, ये बताएं, ये देश की जनता जानना चाहती है। जवाब ले लेंगे। बालमुकुंद शर्मा जी, आपको मैंने कहा कि अगर सुनवाई जाए तो क्या कार्रवाई की जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन सुनिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपको मीडिया की सीमाओं और मर्यादाओं की जानकारी है कि दूसरे चैनल पर अगर इंटरव्यू दिया गया है उस बात का हवाला एक चैनल दे सकता है, हम उस बाइट को सुनवाएंगे नहीं, लेकिन क्रेडिबिलिटी की हम पूरी गारंटी लेते हैं कि कहा गया, उसके बाद आप कहते हैं कि सुनकर आप घर पर जाकर सुनिएगा, लेकिन सवाल यही है कि मैंने बोल दिया, लेकिन आपके बोलने से क्या होता है, आपका कांग्रेस हाईकमान नहीं बोलता, बोलेंगे ना जी, कब अभी तो बता दिया आपको, कांग्रेस हाईकमान के संज्ञान में है, बोलेंगे वो आपको मिलेगा उसका एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, आज तक लिया जवाब लिया जाएगा उनसे, हाईकमान जवाब लेगा जी। अभी जो सैफुद्दीन सोज की बात हो रही थी ना, उन्होंने अपनी किताब में लिखा क्या था वो बताना चाहिए था, उन्होंने कहा था कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए, ये डिट्टो वो लैंग्वेज थी जो मुशर्रफ बोलते हैं, तो इनकी जो प्रेम और मोहब्बत जो मुशर्रफ के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, उनकी किताबों में भी झलकती है, और जब कोई आदमी अपनी बुक के अंदर एक स्टेटमेंट लिखता है ना, वो बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत लिखता है, ऐसे ही नहीं किसी को मजाक में कुछ भी कह दिया जाता जी, ऐसे ही बयान में और किताब में लिखा है और मुशर्रफ के उस स्टेटमेंट के बारे में, और उसके साथ वो जो प्रेम है वो जाहिर किया गया। वैसे ये बात एक अलग भी है कि बाद में कांग्रेस ने अपने आप को सैफुद्दीन की उस किताब से, उस बयान से अपने आप को अलग भी कर लिया था, लेकिन क्या है कि इतना समय ये लोग लगा देते हैं कि बीच में जितना इनको देश का बेड़ा गर्क करना होता है वो कर चुके होते हैं। समझे अभी गुलाम नबी आजाद की ओर से कहा गया कि नरसंहार किया जा रहा है, सोची समझी साजिश है, ऑपरेशन ऑल आउट, क्या लगता है आपको क्या करे सेना, फिर क्या आतंकियों पर फूल बरसाए जाए, क्या गोली का जवाब गोली सेना दिया जाए, कुसुम जी? आतंकियों के साथ तो देखिए जो आतंकी हैं वो तो आतंक फैला रहे हैं, आतंकियों के ऊपर तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ये तो वहाँ की जो सेना है वो अच्छी तरह से जानती है, या वहाँ की सरकार जो है वो अच्छी तरह से जानती होगी, लेकिन आज जो आम जन मानस की मैं तो बात करूँगी कि उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनको जो मारा पीटा जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? मेरा तो खुद का एक सवाल है कि सरकार बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो उनकी वहाँ की जो आम जनता है अगर वो मारी जा रही है, देखिए सैनिक अगर कोई भी उस टाइम कोई वहाँ पे कोई ऐसा कोई वॉर चल रहा है तो अगर वहाँ पर कौन सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, वहाँ जो सेना है चर्चा जारी रखेंगे, और बालमुकुंद शर्मा की जो लगातार जो मांग बनी हुई है कि बयान सुनेंगे उसके बाद ही बताएंगे, तो बयान भी सुनवाया जाएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्वागत है। तो चर्चा इसी बात पर है कि जम्मू कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर और देशभक्ति की भावनाओं को लेकर, सेना को लेकर कांग्रेस के कई नेता कई बार इस तरह के बयान देते हैं कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसी कड़ी में गुलाम नबी आजाद बोले हैं, सेना को लेकर बोले हैं, साथ ही कहा गया कि आतंकियों की तुलना में आम नागरिक जम्मू कश्मीर में ज्यादा मारे जा रहे हैं। इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं एक खास पैनल के साथ। सनवारे साहब, आपको क्या लगता है जो बात ये कही गई कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं अगर उनको ये आजादी दी जाए चुनने की तो वो अलग होने की आजादी को चुनेंगे, आजादी को चुनेंगे भारत के साथ आने के बजाय या पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय? सनवर साहब, ज्योति जी, मैं एक सैनिक होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट कि कश्मीर को अगर इजाजत दे दी जाए तो वो आजाद होना पसंद करेंगे जरूर। मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि कश्मीर हमारा इंक्लूडिंग POK उस इलाका भी सारा अभिन्न भारत का अंग है, और उस अंग की रक्षा करने में ही हमारे इतने सारे नौजवानों की शहादत माएं बहनें दे रही हैं उसको अभिन्न करने में। लेकिन अभी वो सोच साहब ने लिखा है, किताब में लिखा है, और अब गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं और कि ये सेना जो है इनको ज्यादा सिविलियन को मार रही है। नो, ये वही सेना है जो कश्मीर में बाढ़ आई थी तब गुलाम नबी आजाद कहाँ चले गए थे? यही सेना थी जिसने अपनी नावें लेकर के, अपने सारे सामान लेकर के उन सारे इन सिविलियन को बचाया था। तो किसी हालत में भी इस तर्क को मैं स्वीकार नहीं करता।
और भारत के लिए जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा, मैं तो ये कहता हूं कि जो पीओके भी है वो हमारा है और उसी की रक्षा के लिए हमारी फौजें सशक्त रहती हुई उस ऊंचाई में उस तकलीफ में इनको तो जब वहां जाके लड़ना पड़े, इनको तो मैं कहता हूं मजबूरी हुक्म दे देना चाहिए इन पॉलिटिशियन को कि वो 14 दिन कम से कम एक बार वो जाकर देखें तो सही, जब -32 डिग्री टेम्परेचर देखेंगे हाथ पैर उंगलियां गलेंगी और खाने को भूख नहीं लगेगी, सामने मेवा रखे होंगे, सामने ड्राई फ्रूट रखे होंगे, खा नहीं पाएंगे, वहां पे हमारे जवान और ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और उसका ये इस तरह से, क्या सेना की पाकिस्तान के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी तरह की, सेना लड़ती रखे, राजनीति किस तरह के बयान देती रखे कि कश्मीर के लोग तो आजादी चाहते हैं। हमारे सेना अध्यक्ष महोदय ने अभी एक बयान दिया पीछे, आपको ध्यान होगा कि ये सेना के पास इसका हल नहीं है, ये राजनीतिक सोच पे और एक टेबल पे आकर के बात करने से ये राजनीतिक मसला है, इसको राजनीतिक तौर पर राजनीतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है, जो शासन में होते हैं, जो दल शासन में होता है, डेमोक्रेसी में विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, मैं बताता हूं, विपक्ष उनको फॉलो करेगा, हम उनके इनके साथ हैं, अगर कश्मीर समझ, देखिए दो चीजें हैं, मेरे को बात पूरी कर नीलम जी, आप जिसने एक राजनीति मैनिफेस्टो है एक देते हैं, ये धारा 370 को इन्होंने अपने उसमें रखा था कि हम खत्म करेंगे, ये उसकी शुरुआत करें, कांग्रेस पार्टी अगर इनका साथ ना दे तो ये ब्लेम करें, एक बार मैं मोरे पूरी बोलने बीच में बोलते हैं आप, देश की सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस इनके साथ खड़ी रही, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम जो है इस कार्रवाई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और ने क्या आपके? मेरी बात तो सुनिए ना जी, आप सुनिए, मैं प्रवक्ता हूं, आपके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया कि खून की दलाली कर रही है सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, उस प्लेटफार्म पर लेके आऊंगा आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी, इससे पहले कांग्रेस के शासन में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हम ये कहना चाहते हैं हम इस तरह का आश्रय हमने कभी नहीं लिया, कांग्रेस मैं बता, आप समझे ना, आप तो हो मौत के सौदागर, मैं आपको कहता हूं, आपने जम्मू कश्मीर, आपने 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 गुजरात में क्या किया, आपने गुजरात में इतने लोगों को मरवा करके, आप लोग आप बिल्कुल आप लोग भारतीय जनता पार्टी मौत की सौदागर है, आप लोगों ने भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, आप लोग भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, आप लोगों ने मैं एक वृत्त चित्र बना के आपका वृत्त चित्र क्या है, आपने राम मंदिर सुन तो लीजिए, आपका वृत्त चित्र क्या है, आपकी जो नींव है भारतीय जनता पार्टी की जो इमारत खड़ी है वो नींव थी धारा राम मंदिर, हमारी नींव आज भी बहुत मजबूत है, आपने डीपीसी लगाई उस पे 370 की वो कहीं नहीं है, आप करते क्या, क्या कांग्रेस के नेताओं के बयान जस्टिफाइड हो गए, करे ना, क्या बीजेपी ने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए तो कांग्रेस कुछ भी बोलेगी, कांग्रेस के नेता कुछ भी कहेंगे अनाप शनाप कश्मीर को लेकर, आप कहाँ लेके जा रहे हैं बात को, आप लेके कहाँ जा रहे हैं बात, सर वही तो आप जा रहे हैं, आपसे बयान बयान को लेकर जवाब मांगा गया, आप बीजेपी के चुनावी वादों पर आ गए, मुझे तो हैरानी होती है, प्रजातंत्र की व्यवस्था में ज्यादातर सवाल होने चाहिए सरकार से, यहाँ ये भी हमारा हिसाब मांगते हैं, आप भी हमारा हिसाब मांगते हैं, अरे हमने देश को हमने कुर्बानियां दी हैं, अरे हमने कुर्बानियां दी हैं, हम देश को यहाँ तक लेके आए हैं, अरे हमने कुर्बानियां दी हैं, हम देश को यहाँ तक ले आ गए, आपने 4 साल में देश का बट्टा बिठा दिया, आपने 4 साल में देश का बट्टा बिठा दिया, देश को कहीं का नहीं छोड़ा, साथ साथ बोलने से काम नहीं चलेगा, जो नेता आपके बयान देंगे क्या सरकार उनका जवाब दे, सरकार को जिन बातों का जवाब देना होता है हम सीधे सरकार से बयान ही नहीं सुनाया अभी तक आपने, मुझे सुबह का चिल्ला रहा हूं मैं, एक चलिए बयान सुनवा देंगे, बयान आपको सुनवा देंगे, सैफुद्दीन को भी सुन लिया था अभी, और अभी सुन लीजिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा, सुनिए, नहीं देखो आतंकी के खिलाफ 4 एक्शन करते हैं और 20 सिविलियन मार देते हैं, तो ये एक्शन इनका आतंकियों के खिलाफ कम होता है, सिविलियंस के खिलाफ ज्यादा होता है, कभी आपने देखा हमारे शासन में आतंकी मारे जाता था, एक आध सिविलियन मारा जाता, हमने पुलवामा में देखा
13 सिविलियन मारे और एक आतंकवादी मारा, तो ये इनका निशाना आतंकवादियों से ज्यादा सिविलियन पर ज्यादा होता है। तो ये अगर इनका ये कहना ऑल आउट होगा, आप बताइए होगा तो कहीं मैसेकर का करने का इनका इरादा होगा। ये मेरे जवाब देने की जरूरत नहीं, हमारे एक्सपर्ट ने जवाब दिया था। नीलम जी तो रुके नहीं सकते, नीलम जी बोलो, नीलम जी बोलो। ये कहते हैं कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान इतने लोग नहीं मारे जाते थे, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार थी उस वक्त इतने लोग नहीं मारे जाते थे, इनके निशाने पर आम नागरिक ज्यादा होते हैं। इसका साफ सा मतलब ये है कि जितनी जाने जाती है वो गैर इरादतन नहीं जाती, और इसका मतलब अगर ये है तो सेना पर सवाल खड़े किए गए। अब बताइए, सेना पर सवाल खड़े करने की बात सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल करने सेना पर सवाल मैं बता रहा हूँ ना जी। सेना देखिए, जो वहां पर युद्ध जैसी स्थिति है जम्मू कश्मीर में, जब कोई एनकाउंटर, अब इन्होंने रमजान में क्यों किया ये जवाब दे, ये इन्होंने रमजान में क्यों किया, आपने कहा कि एक ही लाइन सुनी गई होगी, अभी पूरा बयान सुना सर? हाँ, मैंने पूरा, अभी पूरा बयान सुना, पूरा बयान सुन लिया। देखिए, अब गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा, गुलाम नबी साहब ने ये कहा कि हमारे टाइम में आतंक जब इनकाउंटर होते थे, इस प्रकार की परिस्थितियां होती थी, तो आतंकवादी ज्यादा मारे जाते थे, सिविलियंस कम मारे जाते, सेना मारते थे, वो ये कह रहे थे। जी, अब क्या हो रहा है, वो ये कह रहा है कि अब ये हो रहा है कि आतंकवादी कम मारे जाते हैं और सिविलियन की कैजुअलिटी ज्यादा। इनके निशाने पर आप नागरिक हैं। एक सेकंड, ज्योति जी, देखिए, इनके टाइम में क्या होता था, इस तरह के जब इनकाउंटर्स होते थे, स्टोन पेल्टर्स नहीं आते थे बीच में, क्राउड नहीं आती थी। आज सेना का छोटा सा, आज एक छोटा सा इनकाउंटर होता है, एक वो मैसेज स्प्रेड करते हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां लोग आ जाते हैं, आर्मी के सामने आ जाते हैं, आर्मी वाले सिविलियन से निकल आते हैं। उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में मेरा, देखिए ज्योति जी, मेरा ये स्टैंड है कि आर्मी जब इनकाउंटर करेगी और आर्मी जब गोली चलाएगी, उसके सामने जो भी आएगा वो मारे जाएंगे, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे सिविलियन। शुरुआत में कहा नीलम जी, इस बात पर दुख जाहिर कर सकते हैं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि आम नागरिक निशाने पर होते हैं, सीधा सीधा कहा गया। देखिए, आज के बयान जो है सिर्फ एक सेंटेंस है, और जो सबको पता नहीं क्यों कि किस तरह से उसको जस्टिफाई करें, स्टेटमेंट में आ रहा है कि हमारी सेना जो है वो टेररिस्ट कम मारती है, सिविलियंस ज्यादा मारती है। ये सीधा सीधा हमला हमारी सेना पे है, उसके मनोबल पे है कि सेना सिविलियंस को, अब कमाल करें, यही चीज आप दोनों भूले जा रहे हैं, वही गुलाम नबी आजाद, और कोई शर्मिंदगी नहीं है हमारी किसी भी मेहमान को। नहीं, देखिए, आपको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए ना जी। देखिए, आतंकियों को सरकार तो कम से कम हाथ में बंदूक लेकर नहीं मारती, सांसद और विधायक भी नहीं मारते, आतंकियों को कौन मारता है सर? बाल मुकुंद शर्मा जी, क्या सेना नहीं मारती? क्या सेना ऑपरेशन ऑल आउट नहीं चलाती? बताइए आप, बाल मुकुंद शर्मा जी, टेररिस्ट के हथियार लेकर नहीं आते? अब आप शब्दों पर जाएंगे कि सेना नहीं कहा गया, क्या सर स्वाभाविक सी बात नहीं है कि आतंकियों को सेना मारती है, एनपीएमएलए नहीं मारते? डिबेट भी शब्दों पर है, शब्दों पर शब्द, शब्द ही सब, शब्द बाण ही सब कुछ है, शब्दों से ही तो किसी को भावना को दुख पहुंचाता है, खिलवाड़ के शब्दों का ही तो। आप इस बात को भी डिफेंड करेंगे? कुसुम जी बोलिए। देखिए, वैसे तो मिलिट्री को पूरी पावर होनी चाहिए कि भी वो सुरक्षा दे सके, वैसे तो देश की सुरक्षा जो है आज सेना के हाथ में ही है। आज अगर हम लोग, हमारा देश पूरा आजादी से शांति से सोता है, तो देश जो हमारे आज सुरक्षा कर्मी हैं उनकी वजह से सो रहा है आज, उनको तो हमें पूरे देश के सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि आज इनके अगर सेना के ऊपर जो उनके ऊपर बात करी जा रही है कि सेना जो है वो सिविलियंस को मारती है, तो ऐसा नहीं है। सेना सिविलियंस को नहीं मारती है, वो आतंकियों को मारती है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि भी जब सेना, कोई भी वॉर हो रहा है तो उसके सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये सेना अच्छी तरह से समझती है, और वो निर्दोष को नहीं मारती, निर्दोषों को नहीं मारेगी, वो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए है। इस तरह के बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, बहुत बार बयान दिए गए। आखिरी जवाब, कांग्रेस के जो नेता जम्मू एंड कश्मीर से हैं, इनके इस प्रकार के बयानबाजी वो करते रहे हैं, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है, पास्ट में भी उन्होंने बयान देते रहे हैं, और कश्मीर को लेकर के वो बराबर बयान इस प्रकार के देते रहते हैं। देखिए, उनके हाथ चित्त भी उनका है, पट भी उनका है,
कॉइन के दोनों साइड्स उनको बिलोंग करता है, जब सरकार बनती है वो मंत्री बन जाते हैं, जब अपोजिशन में रहते हैं तो इस प्रकार स्टेटमेंट देते हैं, बट लार्जर इशू पे कोई बात ही नहीं करता ज्योति। आर्टिकल 370 पे हम बात क्यों नहीं करते हैं, उसमें डिबेट क्यों नहीं आ रही है? कश्मीर का सॉल्यूशन, कश्मीर का सॉल्यूशन आर्मी चीफ ने कह रखा है, आर्मी चीफ ने कह रखा कि आर्मी के पास कश्मीर का सॉल्यूशन नहीं है, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। गठबंधन में जाने के बाद भाषा हालांकि बदल गई थी, अब गठबंधन भी टूट गया है, लेकिन 370 को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रखने के लिए। तो कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर चर्चा की कि किस तरह के बयान दिए जाते हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं, पाकिस्तान पर क्या राय रखते हैं।